साथियों, जिस तरह आपां नूं पता है कि इस वेले पंज स्टेटां दा चुनाव चोण जिहड़ी है आपणे सामने आई है, जिहदे विच पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, और पंजां जगह ते इह जिहड़ा चुनाव प्रचार है आपणे जो बनते है इस वेले सब जगह भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर यह चल रही है। वैसे तो 2013-14 तो बाद देश ने जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे बढ़ रहे हैं। असी 10 साल असी सेंटर का भी जरा चोना है वह भी हूँ अगले चोन तो पहला पूरी हो गई, और जेडे राज पहला बीजेपी इन्हें विश्वास रखते सी उत्थे तो बीजेपी है ही है, लेकिन जिहड़ियां होर स्टेटां ने जिथे कदे भी बीजेपी आई नहीं, इन्हां 10 सालां च बहुत सारियां स्टेटां बीजेपी च आईआं। कि मैं उम्मीद करना कि सारियां 5 स्टेटां दे विच भारतीय जनता पार्टी का यह राज आएगा। बॉलीवुड की साडी जिहड़ी एक्ट्रेस है फिल्म स्टार माही गिल जी, और इसी तरह होबी धालीवाल जी एक जिस तरह कह सकते हैं कि ताकड़ फिल्म स्टार ने, जिस तरह इन्हों के बारे कहा गया कि हर प्रकार का रोल करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, विलियन भी बनते हैं, तो फिल्मों के जो मर्जी बनन, लेकिन आम समाज के अपना एक स्थान है। कमलदीप सिंह जी इन्हों का नाम है। कुछ दिन पहला कमलदीप सिंह जी तो मेरी गलबात हुई सी, अपने हरियाणा के भी कुछ लोग जिन्हों के नाल इन्हों का संबंध से, इस तरह माही गिल जी के नाल भी मेरा सीधा संपर्क नहीं आया, लेकिन चर्चा जिसले चली इन्हें कहा कि भी सीएम साहब आन जरूर मेरी ज्वाइनिंग, मैं जरूर आऊंगा, तो इस करके इन्हों दोनों की भी फरमाइश थी। और मैं लग्या कि दोनों हस्तियां तगड़िया हस्तियां ने। वैसे तो कहते हैं कि कहावत है कि हिंदी के बूथ बूथ से समुद्र भरता है, गड़ा भरता जो भी है, लेकिन अच्छ बूथ बूथ नहीं, अच्छे पूरे दरिया के दरिया समुद्रे च आ गए हैं। इस करके इन्हों का जरा स्थान पंजाब है, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हाँ कि पंजाब च पहली बारी जिवें हरियाणा च सी बनाई सी, पंजाब च अज तक सिर्फ सी 23 सीटां लड़दे सीगे बीजेपी के नाते, लेकिन इस बारी पहली बारी सानू 73 सीटां का लड़न का मौका मिल रहा, और नाल जिहड़ी साडी सहयोगी पार्टियां ने, भावे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी 27 सीटां ने या 17 सीटां ढींडसा दी जी दियां, सारियां 117 सीटां के उत्ते जोरदार ढंग नाल असीं प्रचार करांगे। सब तो पहला तो सर मैं तुहाडे सारिआं दा बहुत शुक्रिया अदा करदी हाँ कि तुसीं आए टाइम कट के ते सानू जॉइन करवाई पार्टी। अच्छा, दूजी गल मैं तुहाडा सारा दा शुक्राना ये करना चाहनी हाँ कि जो तो मैं नवी नवी फिल्मां चाई सी, प्रेस वाले ने मेरा बहुत बहुत साथ दिता सी। अज मैं नवी एक रस्ते ते आई हाँ, और मैं चाहनी कि तुसीं इस मेरा प्लीज साथ दो। शायद थोड़ी बहुत गलतियां भी करा, मैनू नहीं पता मैं की करांगी की नहीं करांगी, पर मैं दिलों कहना चाहनी हाँ कि मैं दिलों काम करना चाहनी हाँ। अज तो 5-6 साल पुरानी गल है, मैं चाहती सी मैं कोई पार्टी ज्वाइन करा, मैनू कोई प्लेटफॉर्म मिले कि मैं कुछ करा। मैं कुड़िया लिए बहुत कुछ करना चाहनी हाँ पंजाब च, जो मेरी दिलों इच्छा है, बट कदे कोई प्लेटफॉर्म वधिया मिलिया नहीं। अज मैनू एक बहुत वधिया प्लेटफॉर्म मिलिया है। साडी पार्टी, देखो साडी पार्टी ते आ गई मैं सर, साडी पार्टी सेंटर च है, तो इस करके मैं एक ब्रिज बनना चाहनी हाँ कि जेडे भी पंजाब के मसले है, स्पेशली कुड़िया नू लेके या होर भी कोई भी मुद्दे हैं, मैं डायरेक्टली सेंटर तक पहुँचावा। अज मैं बॉम्बे गोवा रहनी हाँ, मैं गुजरात शूटिंग करन जानी हाँ, तुसी आके सड़क देखो मलाई वर्गियां सड़क ने, किन्नी ज़्यादा चंगा काम हो रहा हर जगह, तो पंजाब च क्यों नहीं। तो इस करके मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पर आई हाँ, और मैं वधिया काम करना चाहनी हाँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, मैं चाहती तुसी मेरा काम देखो ते फिर तुसी मैनूं सवाल पूछो। मैं हाले तक कदे भी किसी भी पार्टी की मैंबरशिप नहीं सी ली, उस सी हो गया, तो हुण मैं पहली बार आपकी जिंदगी दे विच पोलिटिकली बीजेपी ज्वाइन की है, तो मैं माण मत्ता महसूस कर रहा हाँ, क्योंकि एडे सीनियर लीडर साहबान सारे मेरे वास्ते माही गिल जी वास्ते एकत्र होए ने, और तुसी सारे आए हो, थानू जी आया। मेरा दर्द, मेरी जिंदगी का तुरा, मेरा सूत्रधार मेरा पंजाब है, मेरी मिट्टी है। मैं
बेहद मुहब्बत करता हूं पंजाब को। पंजाब के टिब्बे भी मैं आपके पिंड देखे ने। असी दो भरा हैं, मेरे वड्डे ब्रदर सरदार प्रदीप सिंह भी आए हुए हैं। साडा परिवार अज तक एक है, माण भी है। बॉम्बे तो विक्रम संधु होनी भी आए हैं, पर वह टिब्बिया की खुशबू, वह मिट्टी, वह रिश्ते, वह नाते, वह वैल्यूज, वह सभ्याचार, वह खेती, वह पानी सब रुड़ गया। अफसोस जिहड़ा मैनू, मैं अफसोस मेरा यह सी, मेरा दर्द यह है कि पंजाब दे विचो सब कुछ मिसिंग है। पर एक अफसोस, एक ज्ञान अग्ञानता यह भी सी कि पिछले 47 तो लैके हुण तक ये 65-70-75 साल दी विच कदे भी बीजेपी की सोच दीयां नीतियां पंजाब दे विच लागू की डिस्कस भी नहीं हुई। सो मेरा मुढ़ला ते पहला ते शायद आखिरी फर्ज भी यही रहूगा कि बीजेपी दीयां ओ नीतियां जिहड़ियां पंजाब वास्ते आसवंद ने, लोड़वंद ने, असीं सानूं चाहीदियां ने, वह लेके आनी है। तो उन्होंने नीतियां तो लोगों को जागरूक करवाना, फिर लोगों की सोच या लोगों की मंग हैड ऑफिस तक पहुँचानी, इस कड़ी में मैं बरकरार रखने की कोशिश करांगा कि पंजाब की पंजाबीयत कहीं खोती जा रही है। और पंजाब जो सीमावर्ती प्रदेश है, सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते जिस तरह की चुनौतियां पंजाब में बढ़ रही हैं, जो आग तपिश, जो आग पंजाब में मिलिटेंसी की पंजाब ने पहले देखी है, एक बार फिर पंजाब अनजाने में धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए पंजाबियत बनी रहे, पंजाब में सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है वो कहीं क्षीण न हो, डैमेज न हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और इन सब से आगे बढ़ करके जो पंजाब का खोया हुआ अतीत है, जो गौरव है, उस गौरव को वापस स्थापित करके पंजाब को फिर से खुशहाल सूबा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है।